हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज गांव का हमारा दूसरा दिन है और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहां पे एक बहुत फेमस मंदिर, हम लोग वहीं फ़िलहाल जा रहे हैं और सब लोग फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं, निकल ही रहे हैं। और यहां से अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लगने वाला है, समय रहो 2-2.5 घंटा 3 घंटा लगने वाला है। तो फ़िलहाल हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और जैसा होगा मैं वीडियो के थ्रू अपडेट करती हूँ। और फ़िलहाल सब लोग आ चुके हैं रेडी हो के और ये यहाँ पे इवान भी अंदर बैठ चुका है और हम लोग निकल रहे हैं। अभी 2-3 लोग और आने हैं, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। लोग अभी बस पहुंचने वाले हैं और जस्ट सामने मंदिर दिख रहा है। और पहले भी 1 या 2 बार मैं आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर है। और ये यहाँ से मंदिर का स्टार्टिंग हो रहा है और ये देखिए अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर है, मूर्ति है, वो अपने मन से ज़मीन से निकली है। मेरा फ़ोन ही ना छीन के भाग जाए तो क्या हो गया, और क्या किनारे रखी हो। हाँ, जहाँ प्रसाद वसाद लेना वहीं गाड़ी लगा देना। यहाँ का पूरा लोकल पूरा है, पूरा बच्चों का सामान, खिलौने, खाने का, पूजा के। हाँ, ये पीछे है, पीछे पीछे लगा सकते हो। ये यहाँ की बढ़िया लोकल पार्किंग है। पहले हम लोग आ चुके हैं और यहाँ गाड़ी वाड़ी लगा दी है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। घर की पूरा एंट्री है और गांव के लोकल मंदिर वंदिर में जाना एक अलग ही फीलिंग होती, सीरियसली, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और क्या हुआ, हाँ, पूरा यहाँ है एंट्रेंस है यहाँ का। हम लोगों ने गाड़ी लगा के अभी आगे सब जा रहे हैं। मन्नत मांगते हैं, मुंडन। वैसे हम लोगों ने भी इवान के लिए यहाँ पे मन्नत मानी ही थी मुंडन के लिए, बट इस बार तो नहीं करा पाएंगे, इसीलिए उसको दर्शन कराने ले आए हैं। अब 2 साल के बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा आएंगे और यहाँ पे इवान का मुंडन होगा दोबारा से। इस बार भी प्लान था बट ऐसा कुछ क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 ही दिन के लिए आए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, तो अभी इसको हम ले कर बस दर्शन करा देंगे इवान को, क्योंकि उसकी मन्नत है यहाँ पर, तो फिलहाल उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने देर है भैया? 50 के एक पूजा वाला वहाँ सब मिला के नहीं, हम प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। इवान, इवान लोगों ने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। चप्पल वप्पल सब निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ।
कितनी भी मार्केटिंग कर लो, बट जो लोकल मार्केटिंग करने का जो क्या बोलते हैं मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी दुकानों से चीज़ें लेना उसका अलग ही, सीरियसली अलग ही मज़ा आता है। तो फिलहाल हम लोग छोटी 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 चीज़ों की, चूड़ी की और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं गए कुछ रीज़न की वजह से। और तो फिलहाल हम लोग के पास टाइम है तो हम लोग बाहर ही सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबके दर्शन हो चुके हैं और हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ ये सब टीका मेरा फैल गया है, बहुत ज़्यादा ही फैल गया। बस पेड़े हैं, प्रसाद है इसलिए मैंने ले लिया है। तो फाइनली अभी सब लोग अभी भी वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मैं सीरियसली इतना थक गई हूँ, थक के मैं बैठ चुकी हूँ, बट उन लोगों की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है और अभी फ़िलहाल मैं उनका वेट कर रही हूँ। और ये पूरी पीछे मार्केट है, मैं तो काफ़ी आगे आ चुकी हूँ और अभी पता नहीं कितना देर। और वहाँ मंदिर के बाहर ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे वो लोग, तो वही फ़ोटो लेने गए हैं, मैं वेट कर रही हूँ। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अच्छा लगा, एंजॉय किया, ऐसा लोकल जगह पे मंदिर में आना उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मज़ा आया, एंजॉय किया। और अभी हम लोग यहाँ से बस निकलेंगे, वो लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तुम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पे, मज़ा आई? उनको तुमने क्या लिया? ये लिया है। ये लोग भी शॉपिंग कर करके आ गए हैं, इतना शॉपिंग किया है, आ चुके हैं और इतना सब थक चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ही चाय समोसा सब लोग खा रहे हैं। यहाँ नाश्ता पानी चल रहा है। भाई कैसा लगा सबको एक्सपीरियंस? हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। अब लग रहा है मेले से आए हो। दे दो पैकेट। यहाँ पे इस टाइप के ना चूल्हे रखे जाते हैं और यहाँ पे कोई अगर मन्नत वगैरह मांगता है तो यहाँ पे आते हैं, यहीं पे लोग खाना वाना बनाते हैं और यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप के ऐसे छोटा छोटा पंडाल टाइप के बना रखा है, लोग आएंगे यहाँ पे खाना बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मुंडन वगैरह कराएंगे। इस टाइप के यहाँ बहुत सारे ऐसे पंडाल बने हुए हैं, ये देखिए, उस साइड में भी इस टाइप से मिट्टी के चूल्हे सारे रखे हुए हैं जिसमें लोग आते हैं खाना बनाते हैं। आज हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं और ये मेरी भाभी का मायका है और रास्ते में पड़ता है इसलिए अभी हम लोग घर जा रहे थे। हेलो, फिलहाल हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं लखनऊ के लिए, लेकिन रास्ते में भाभी का मायका है तो हम लोगों ने सोचा कुछ देर हम लोग वहाँ रुक जाए। और सीरियसली इतना ज़्यादा मस्त पूरी जगह है, पूरा चारों तरफ यहाँ पे ना हरियाली है चारों तरफ। अगर आप देखिए, मैं एग्जैक्टली दिखाती हूँ, पूरा हम लोग गांव वाला फील ले रहे हैं पूरा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मस्त जगह है, सच में 2 दिन हम लोगों ने यहाँ मस्त एंजॉय किया। 2 दिन? 1 दिन भी नहीं। हर पेड़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अभी गन्ने के खेत चल फील लिया जा रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना ये फुल देसी तरीके से यहाँ खाना बन रहा है, ये देखो। क्या चीज? नहीं आज दिन में तो नहीं हो पाएगा, वही मुझे क्या बच जाएगा। 6:30 नडा लिखा है। ये इवान के हाल है इस समय यहाँ पे, वो मिट्टी में खेल रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, पता ही नहीं है। यहाँ पे चिकन बन रहा है, ये बता, ये उसमें पता है दूध उबाला जाता है ये। हाँ तो क्या बोलते हैं इसको? डेहरी नहीं है, बर्सी। तो
तो फिलहाल हम लोग अभी आए हैं गन्ने के खेत में। ये हमारा है। ये देखो पूरा यहाँ पे गन्ने के खेत है। ये देखो सच में इतना मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती। पूरा मजा गन्ने के खेत हैं, प्रॉपर आलू के खेत हैं। ये पूरा देखिए क्या व्यू है। और हम लोग जा रहे हैं गन्ने तोड़ने यहाँ से। ये देखिए सब कैसे जा रहे हैं। ये कटहल का पेड़ है ना? हाँ हाँ, ये कटहल का पेड़ है यहाँ। अरे तो मेरा हाथ कट गया। मम्मी नानी नानी वो तोड़ो गन्ना। यार रिंकी क्यों नहीं आई? ए इवान भी नहीं आया? हाँ वो मैंने पूछा था कि नहीं आई, जो बोली थी। यहाँ देखो गन्ने वाला। बोलो आते लोग गन्ना तोड़ने। हम लोग जा रहे गन्ने तोड़ने। आपकी वहाँ वहाँ से चलेंगे। ये वहाँ से नहीं जाऊँ। ये हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग जा सकते हैं। गर जाएगा पैरों जाओ। चप्पल पहने। ये देखो इसमें छोटे छोटे आम बहुत होते हैं। भैया मैं तो नहाते जाऊँगा। मम्मी मैं नहाते जाऊँगा। उधर से कहाँ है? उसमें मत जाओ। तू इसमें बोया थोड़े ना है कुछ लग ना जाए पैर में। लाम तोड़े? हाँ जाए इनको दे दो तोड़े। देखो घुस ना जाए पत्ती। जाओ जाओ। नहीं जाओ तोड़ो। काटा तो कट जाएगा बाहर में। जाओ जाओ नहीं कटेगा। बस हाल एक बार तोड़ लो ना। अरे कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ नहीं मिलेगा। जाओ ये वाला गन्ना अच्छा है। देखो ये वाला ये वाला ये वाला। हाँ ये रही पकड़ो। इसको छोटे छोटे पीस भी करना पड़ेगा। हाँ वो कट जाएगा। यार शाम को पार्टी में जाना मीना खराब हो जाए। रहने दो आज पूजा फटेगा बहुत। हाँ तोड़ो। हाँ हाँ ऐसे गिराओ टूट जाएगा। गिराओ अब पैर लगा। हाँ टूट गया। अब खींचो खींचो आज तुम ही तोड़ो। हाँ अभी अपने हम खाने भर कर ले लो। ये भाई ये सब गन्ने बहुत अच्छे हैं। ए तुम मत जाओ। मत जा चाचा। नहीं ऐसे तोड़ के दे दो। इतना फ्रेश गन्ना तो मैंने कभी नहीं खाया कि खेत से तोड़ के। अरे हमारे घर में तो एक बोझ ले जाते सब लोग। ऐसे आधा इतना खाएंगे फेंक देंगे। इतना खाएंगे फेंक देंगे। ये क्या कटहल का पेड़ है? ये कटहल है। ये भी और इधर वाला क्या है? उधर बगीचा है। ये भी बगीचा। उधर बहुत बड़ा बगीचा है। वो स्कूल है। बढ़िया है दम मीठा है। स्कूल स्कूल है। ये देखो सारे गन्ने हम लोग तोड़ के लखनऊ लेके जाएंगे। ये देखो गन्ने। लो लो तुम भी खाओ। बढ़िया है और क्या। बस इतना बहुत है। जाती है ट्रक बन जाता है तो वो लाद लाद ले जाते हैं। मम्मी और दे दो। तो बना वीडियो। इनका गन्ना अच्छा नहीं है। ये तो पता बता। ये पतला पतला है। ये गन्ने अच्छे नहीं है हमारे खेत में। ये अच्छा है ये काला वाला। यहाँ ये देखो ये देखो गन्ने तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरी गन्ने की खेती वहाँ पे गन्ने टूट चुके हैं और गट्ठर बना के रखा है खेतों में सारा। ये देखो यहाँ पे गन्ने ये पूरा। चलो रिंकी फ़ोन कर रही है। चलो ये थोड़ा मोटा अच्छा खासा खा भी लिया। और इतने अच्छे थे। पहली बार ही मेरा एक्सपीरियंस कि खेत से गन्ने तोड़ के मैंने खाए। वैसे तो पहले खा चुकी हूँ लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि खुद से तोड़ के गन्ने खाए मैंने। और दो तीन दिन सच में इतना ज़्यादा मज़ा किया, इतना ज़्यादा मज़ा किया है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है।
ये वाले ज्यादा मीठे हैं। कैसे पता लगा आपको? दो तीन दिन गांव में रहे, कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा लगा। अच्छा लगा, एंजॉय किया? तो गन्ने बने बांध के लेके जा रहे हो किधर? इधर आओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, और क्या, अभी तो लिया। ये वाले जो है ब्लैक है ना, बहुत मीठे होंगे। चलो, बट हम लोगों ने जो अभी खाए वो भी बहुत मीठे थे। चलिए अभी हम लोग काटने वाला हो गया ये, हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर अभी निकलेंगे तो 4 घंटा यहाँ से लग जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं, और अभी जो टाइमिंग दिखा रहा है सब में राउंड 1 घंटा और दिखा रहा है। काफ़ी लंबी जर्नी रही और काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए हुए थे, सब थके हुए हैं, इवान में अभी सो रहा है, इवन तो पूरा रास्ता सोते हुए आया। और अभी मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, बिकॉज मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।